दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा सप्रेस्ड लिस्टिंग के बारे में। सप्रेस्ड आपकी अगर लिस्टिंग Amazon करता है तो वो Amazon.in की पेज से कंप्लीट आपकी जो लिस्टिंग है उसको रिमूव कर देता है, कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर पाता और आपको कोई नोटिफिकेशन, कोई ईमेल कुछ भी नहीं आता, तो आपको इमीडिएटली पता भी नहीं चलता कि आपकी लिस्टिंग को Amazon ने Amazon.in की पेज से रिमूव कर दिया है। कुछ रीज़न भी नहीं आपको Amazon बताता, तो जब तक आपको पता चलता तब तक आपकी प्रोडक्ट अगर अच्छी जगह पे रैंक कर रहा था, आपकी प्रोडक्ट में अगर अच्छा सेल आपको मिल रहा था, आपका सेल्स रैंक बहुत ही अच्छा था, टॉप पे आपके प्रोडक्ट आ रहा था, तो ये सब कुछ आपके हाथ से जा चुका होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आप Amazon एज ए फुल टाइम बिजनेस करते हैं या एज ए साइड बिजनेस, आप कॉमेंट पर मुझे बताइए। दोस्तों दो रीज़न की वजह से आपका जो लिस्टिंग है वो Amazon सप्रेस्ड करता है। सप्रेस्ड होने की वजह से डेफिनेटली आपकी रेवेन्यू पे फ़र्क पड़ता है, Amazon का जो रेफरल फी है वो भी Amazon को नहीं मिलता, इसे Amazon को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि Amazon जो अपनी पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब Amazon का पॉलिसी ये कहता है जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट की टाइटल लिखेंगे उसमें कुछ भी आप क्लेम नहीं कर सकते, कुछ आप दावा नहीं कर सकते, जैसे 100% हाई क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, ये सब जो वर्ड है आप टाइटल में नहीं लिख सकते। लेकिन जो प्रीमियम क्वालिटी है वो एक्सेप्शन है, अगर आप कुछ खाने का आइटम सेल कर रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी प्रोडक्ट की टाइटल में आप यूज़ नहीं कर सकते। आप बोलेंगे तो दूसरा सेलर यूज़ कर रहा है, अगर दूसरा सेलर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद सप्रेस्ड हो जाएगा। अगर आप दूसरे सेलर को देख के सेम चीज़ करेंगे और आपका प्रोडक्ट अच्छी जगह पर रैंक कर रहे हैं तो कब आपका सप्रेस्ड हो जाएगा लिस्टिंग आपको भी पता नहीं, तो आपको पूरा मेहनत एकदम बेकार चला जाएगा। तो आप जब पॉइंट जब आप लिखेंगे आपका टाइटल तो कोई भी दावा करने वाला कीवर्ड वर्ड आप यूज़ मत करिए। इसके बाद दोस्तों इमेज, जो प्रोडक्ट है अगर आपने वाइट बैकग्राउंड में क्लिक किया है तो प्रोडक्ट के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट पूरा क्लियर दिखना चाहिए और जो बैकग्राउंड है वो पूरा प्योर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है थोड़ा डार्क लग रहा है इधर से, थोड़ा रेडनेस आ गया, थोड़ा ब्लू लग रहा है, वाइट ब्लू, जैसे आप अगर सनलाइट में कोई प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करेंगे वाइट पेपर के ऊपर रख के तो वो आप बैकग्राउंड देखेंगे थोड़ा ब्लूश टाइप का लगता है, तो वो सब आप नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे तो अपलोड हो जाएगा, लिस्टिंग आपका चल जाएगा, कुछ दिनों के बाद वो सप्रेस्ड हो जाता है या कुछ महीनों के बाद। तो मेरा तो एक लिस्टिंग था जो 6 महीने के बाद सप्रेस्ड हो गया था, जब मैं नया नया Amazon पे आया था, तो मैंने सोचा ये सब इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं। और जो प्रोडक्ट आपका बैकग्राउंड के साथ है, मतलब जब आप डेकोरेशन की आइटम सेल कर रहे हैं, डेकोरेटिव आइटम, या आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो बेडशीट वगैरह, तो इसको आप डेफिनेटली बैकग्राउंड के साथ आप इमेज दीजिए तो वो अच्छा लगता है देखने में। और दोस्तों प्रोडक्ट में कोई भी वाटरमार्क यूज़ आप नहीं कर पाएंगे, जो आप दूसरे सेलर को देखते हैं ना कि वाटरमार्क यूज़ कर रहे हैं मैं भी कर लूँ, इमेज कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। वाटरमार्क को भी रिमूव किया जा सकता है, कितना भी आप लिखो ना फोटोशॉप से रिमूव हो सकता है, तो वाटरमार्क आप कभी भी यूज़ मत करिए। और Amazon अगर इसको देखता है कि आप वाटरमार्क आपने यूज़ किया है तो वो सप्रेस्ड हो जाएगा। मेरा तो 2-4 लिस्टिंग वाटरमार्क की वजह से सप्रेस्ड हो गया था, तो मैंने गलती कर करके सीखा है। तो ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ, मेरी एक्सपीरियंस है, ताकि आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो मिस्टेक है, ये आपको पता चले और पहले से आप अपनी करेक्ट लिस्टिंग, सही लिस्टिंग क्रिएट कर पाओ। बिकॉज लिस्टिंग जब आपका अच्छा होगा तभी आपको अच्छा रेवेन्यू भी मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा और प्रोडक्ट भी आपको अच्छा होना चाहिए। सो आई होप गाइस मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया आपको रिलेवेंट लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए वीडियो में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे एक्स्ट्रा कॉमेंट भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।